Hey guys, this is Kashif Aslam from Kashif and welcome back to my YouTube channel once again. And as you know, I am here at YouTube to teach you, to tell you my new eye makeup that people always wanted to know what I use, what is the tips to do eye makeup, how I mix colors, what products I use, and let me tell you, my secret of every good makeup is my hard work and my makeup product Kashif's makeup. प्रोडक्ट्स मैंने स्पेशली ये सोच कर बनाई कि वो तमाम लोग जो मेकअप सीखना चाहते हैं, आई एम श्योर कि बहुत सारी जो मेरी अपनी जर्नी रही है पूरे मेकअप इंडस्ट्री में, जितने सालों से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने ये देखा कि मेकअप करना कहीं ना कहीं लोग जो है उसको बहुत मुश्किल था। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेकअप किस तरीके से ईजी हो सके। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं मैं उनको बड़ी कोशिश करता हूँ कि बहुत एक सटल तरीके से, बहुत इजी तरीके से किस तरह से वो एक परफेक्ट आई मेकअप, जैसे मेरे अपने मेकअप होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो कोई इतना मुश्किल मेकअप नहीं है, वो तमाम लोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सालों से सिखा रहा हूँ, उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमांड कहूँगा, उनकी पसंद कहूँगा, उनकी शायद अप्रिसिएशन कहूँगा मेरी चीज़ को, शायद वो इतना रिगार्ड करते हैं, इतना पसंद करते हैं। इसीलिए फाइनली फिर मैंने अपने उन तमाम स्टूडेंट्स की वजह से फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपनी एक प्रोडक्ट बनाऊँ, ताकि जो लोग ऑब्वियसली अभी रिसेंटली मैंने अपनी काफ़ी मास्टर क्लासेस नेशनल वाइड जाके दिए, जैसे मैंने लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, और इसके अलावा हैदराबाद में, और इंशाल्लाह अभी आगे और काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जहाँ पर मुझे वो पूरी चीज़ें अपनी सिखानी है, बतानी है तमाम चीज़ें। तो जितने भी इवन की वो उन मास्टर क्लासेस में मेरे स्टूडेंट्स थे, वो सब ओबियसली वो पसंद तो डेफिनेटली वो करते हैं कि मैं जो भी हूँ अपने उन तमाम अपने फैंस की वजह से हूँ। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरा काम पसंद है, जो मेरे मेकअप की टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मैं उन लोगों को गाइडलाइन दे सकूँ अपने मेकअप के हवाले से, तो फाइनली काशीज़ प्रोडक्ट ये बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना, क्योंकि ओबियसली जितने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैंने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं। बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है चीज़ों में। जैसे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि लोग अगर बहुत फ्रेश स्किन है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें या फाउंडेशन बहुत लगाए जा रहे हैं, तो ओबियसली मेरी जितनी भी आगे मैं इंशाल्लाह अपनी जो है मज़ीद अपने जो है ट्यूटोरियल्स वगैरह होंगे, जिसमें फाउंडेशन किस तरीके से आपको सिर्फ एक फाउंडेशन से आप उसको, इवन कि पिगमेंटेशन भी हो तो किस तरह से आप उसको 100% आप उसको कवर कर सकते हैं, किस तरह से वो स्पार्कलिंग आई शेड जो हैं बगैर फॉल आउट हुए लैशेस पे वो बिल्कुल एक्टिव रह सकते हैं। YouTube पे बेसिकली मेरा जो है ट्यूटोरियल, आप लोगों ने पहले मेरे बहुत सारे मेकअप्स देखे होंगे, आपने हेयर स्टाइलिंग देखी होंगी, आपने उसमें हेयर एक्सटेंशन देखी होंगी, उसमें मेरे बहुत सारे आई मेकअप्स आपने देखे होंगे, लेकिन कभी मेरे ख्याल में आपने मुझे कंटिन्यू इस तरह से प्रॉपर, ओबियसली मॉर्निंग शोज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस तरह से प्रॉपर करते हुए कभी नहीं देखा होगा। जैसा भी प्रीवियस मैंने आई थिंक एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपनी डाली थी पूरा प्रॉपर, जिसमें ट्यूटोरियल था और वो लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो फाइनली फिर मैंने ये सोचा कि जिस तरह से मैंने तमाम लोगों से, जो ओबियसली मेरे सलून पे आ नहीं सकते हैं, कराची आ नहीं सकते हैं, जो घर बैठे सीखना चाहें, और ये सिर्फ जो है मेरे ट्यूटोरियल्स उन लोगों के भी काम आए जो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि ब्यूटिशन, तो घर में जितनी भी ओबियसली जितनी भी लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, वो सब किस तरीके से ईजी तरीके से मेरे उस ट्यूटोरियल से इंशाल्लाह बहुत गाइडलाइन होंगी, बहुत ट्रिक्स होंगी, वो आप सब सीख सकेंगे। इसी तरीके से अगेन आज फिर मेरे हाथ में है ये काशी सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट, जिसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी जो आप सबने बहुत पसंद की थी, उसमें किस तरह से वो इजी तरीके से मैंने मेकअप सिखाया था एक सिंगल ऑपुलेंस शेड के साथ। और आज की इस वीडियो में स्पेशली आज जो है ओरिएंटल पर्ल ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत एक खूबसूरत कलर और मुझे मेरा बड़ा फेवरेट है ये कलर। बहुत सारे मेकअप ओबियसली मैं इसमें आई थिंक कर चुका हूँ, काफ़ी सारे शूट्स वगैरह में आपने देखा होगा, लेकिन किस तरह से इसका एक तो पिगमेंट है कितना इजीली जो है ये लग जाता है, और इसके साथ साथ किस तरह से आप मज़ीद कलर्स ऐड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग स्पेशली देखेंगे किस तरह से ज़रा से माइनर से चेंज से एक मेकअप जो है कितना ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कि मैं इसको बहुत मुश्किल करके नहीं दिखाऊंगा, किस तरह से मुश्किल कलर्स को एक बड़े इजी तरीके से इसको ब्लेंड किया जा सकता है, वो सारी टिप्स ट्रिक्स वो सारी आज आप लोगों के सामने होंगी। मेकअप इज़ ऑल अबाउट लिटिल ट्रिक्स, अ लिटिल एफर्ट एंड यू स्टैंड आउट इन क्राउड। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ ट्यूटोरियल विद काशीज़
Silk and Sleek eyeshadow palette. Now I'm just going to start the makeup. First step is to apply proper base to your face and eye. And after defining eyebrows, I am applying Kashi's water base eyeshadow number 5 underneath the eyebrow. ये आई शेडो को एनहेंस भी करेगा और हाईलाइट भी. नाउ सेकेंड स्टेप इज आई शेडो बेस. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने अपना ये बहुत ही एनहेंसिंग आई शेडो बेस जो किसी भी आई शेड को बहुत इन्हेंस करने के लिए कलर का पिगमेंट, यानी वो पिगमेंट बहुत खूबसूरत और बहुत खिलकर आता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये आई शेडो बेस काशीज का ये मैं लगा रहा हूँ. Kashi Silk and Sleek eyeshadow palette, and this shade is called Oriental Pearl, and this is one of my favorite color, and you will see why I am using this. As you can see, if you apply it for once, it look different. And when I apply second coat of it, it look entirely different. Blend the color well on eyelid. Now I apply another shade at outline of eyelid, and this shade called Your Majesty. ये सारे shades आपको एक ही palette Silk and Sleek में मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग shades लेने पड़ेंगे. इस shade को बहुत अच्छे तरीके से आपको blend करना है. Outer corner के लिए जो brush मैं use कर रहा हूँ वो मेरी अपनी काशीज professional brush collection से, इसका number है K07. Shade को बहुत अच्छे तरीके से लगाना है कि eyelid बहुत inner corner से बहुत enhance हो. इसके बाद अगेन मैंने काशीज ब्रश सेट से K11 ब्रश लिया है ताकि जो एक हार्श लाइन थी इस ब्रश से ब्रशेस जो हैं बहुत फ्लफी से हैं, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. योर मैजेस्टी शेड जो मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ इसकी काशीज प्रोफेशनल ब्रश कलेक्शन से, इसका नंबर है K07, और बहुत ही खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन हो रही है. अगेन मैं इसके साथ साथ एक फ्लफी ब्रश है जो मेरी अपनी काशीज ब्रश कलेक्शन से, इसका नंबर है K11, जो हार्श लाइन थी पहले जो मैंने आउटर कॉर्नर के लिए बनाई थी उसको इससे बहुत खूबसूरती से आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लेंड हो चुका है, कोई शार्प लाइन या शार्प एजेस नहीं है इसमें. Now I just give a pinch of black color called Harmony from our Silk and Sleek eye palette. इससे आँखें कॉर्नर से ज़रा खुली लगती हैं. बहुत केयरफुल हो के इस शेड को, ऑब्वियसली ब्लैक शेड कभी भी हम यूज़ करते हैं तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है हमें उसमें. इस शेड के लिए भी आपको आउटर कॉर्नर से लगाने के बाद फिर अगेन जो ब्रश मैंने पहले यूज़ किया उसमें, ज़रूरी नहीं कि आप सब प्रोडक्ट लें, तो उसको ब्लेंड करें अच्छी तरीके से. Now I will apply Kashi's Glowing Shimmer shade number 3 at inner corner of eye. इसके लिए ब्रश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ काशीज का K20 ब्रश यूज़ कर रहा हूँ. इनर कॉर्नर पर कंटिन्यूसली हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करते रहेंगे, और ज़रूरत पड़े तो आप हल्की सी अपने फिंगर से इसको ब्लेंड कर सकते हैं ताकि कोई हार्श लाइन नहीं है. इसका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत इन्हेंस हो चुकी है इनर कॉर्नर से आईज. अगेन आई एम यूजिंग दिस ओरिएंटल पर्ल शेड क्योंकि ब्लेंडिंग की वजह से काफ़ी जो है शेड जो मेरा ओरिएंटल पर्ल शेड था वो डल हो चुका था, तो उसको दोबारा से मैंने मज़ीद उसको एनहेंस किया है. नाउ फॉर द लाइनर आई एम यूजिंग काशी सुपर ब्लैक आई लाइनर, और इस आई लाइनर को आपको लैश लाइन पर लगाना है एक गाइडलाइन के तौर पे. इसके बाद क्योंकि मुझे लैशेज लगानी है, ओब्वियसली हर किसी का अपना तरीका होता है, आई शेड लगाने के बाद जब हम आई लैशेज लगाते हैं तो उसके बैंड में से कहीं ना कहीं जो है शेड नज़र आ रहा होता है, तो वो ऑब्वियस होता है, वो बहुत बुरा लग रहा था, उसको कहीं ना कहीं उसको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये आई थिंक बहुत बेस्ट ऑप्शन है पहले, और बहुत ईजी है कि हम एक गाइडलाइन ले लें और उसके बाद जो है अगर हम अपनी लैशेज लगानी है तो उसके बाद हम अपना आईलाइनर एनहेंस कर सकते हैं. आउटर कॉर्नर से जो है मैं लाइनर को मजीद डार्क कर रहा हूँ क्योंकि आउटर कॉर्नर मुझे अपने इस आई मेकअप का थोड़ा सा डार्क रखना है. नाउ फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग काशीज जाइंट ब्रश मस्कारा.
ऑब्वियसली एक इसका जो ब्रश है वो बहुत जाइंट सा है और इसका पिगमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सा है, तो बहुत इजी इसकी एक एप्लीकेशन है। लैशेस बहुत अच्छी इन्हेंस हो जाती है इससे, आप देख सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है, अगर आप सिर्फ अगर लैशेस लगाकर आपको इन्हेंस करना है तो आप एक कोट कर सकते हो, अदरवाइज अगर इसी सेम मेकअप में आपने अगर लैशेस नहीं लगानी है तो आप मस्कारा के आप सेकंड कोट करें तो लैशेस उससे ये बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। Now for the lashes, I'm using this beautiful Kashi's Fairy Tail Lashes और ये बड़ी खूबसूरत सी lashes है, outer corner से ये काफ़ी ज़्यादा thick होती है। Now for the lashes, I'm using this glue। तो ये जो adhesive है बहुत best है, अगर eyes आपकी watery भी हो रही हैं तो कोई ऐसा issue नहीं होता। इसकी application मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगी। आप देख सकते हैं मैं इसके lash band पर adhesive लगा रहा हूँ। इसको अच्छी तरीके से लगाने के बाद 30 सेकंड्स के लिए आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें ताकि ईजिली ये एप्लीकेशन हो जाए इसकी। आप ये देख सकते हैं कि लगाते के साथ इंस्टेंटली आईज बहुत खूबसूरत और बहुत एनहेंसिंग हो जाती है। इस लैशेस की स्पेशलिटी ये है, ख़ास बात ये है कि आपकी अपनी नेचुरल लैशेस और जब ये 3D लैशेस लगती है तो एक बहुत अच्छी एक लेयर बन जाती है जिससे एक फेक लुक नहीं आता लैशेस में। आप देख सकते हैं आउटर कॉर्नर में थिक होने की वजह से एक बहुत खूबसूरत एक लुक बन गया है, और आप चाहें तो आप इसको लाइनर के बगैर भी रख सकते हैं और उसके बाद जो है मैंने लाइनर भी लगाया है। दोनों तरीके से इस मेकअप की आपको खूबसूरती और डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये मेकअप आप देख सकते हैं बहुत ब्लेंडेड और बहुत स्मूथ एक लुक आ रही है। इवन कि अभी ये मेकअप बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लोगों के पास ऑप्शन होते हैं कि अगर उनको काजल लगाना है, वाइट पेंसिल लगानी है, लोअर लैशेस कुछ लगानी है तो मज़ीद इसको इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सॉफ्ट लुक में देखेंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा होगा मेकअप। अदरवाइज ही आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें मज़ीद इसको इन्हेंस करना है तो काजल से, या मज़ीद आप इसको मोर इन्हेंस करना है इसको तो वाइट पेंसिल लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इसको मज़ीद चेंज करके दिखाऊंगा। अब ये आई मेकअप लुक कंप्लीट है उन लोगों के लिए जिन्हें ड्रामेटिक या डार्क आई मेकअप चाहिए बट इन सटल वे एंड दे डोंट वांट वेरी ब्लिंग और शिमर ऑन आईज, सो यू कैन गेट दिस। नाउ आई एम यूजिंग काशीज जेल आईलाइनर फॉर वाटर लाइन। इसको एज अ काजल मैं लगा रहा हूँ। आप इसकी जगह चाहें तो कोई दूसरा डिफरेंट कलर लगा सकते हैं। जेल आईलाइनर में भी बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, इसमें एक पर्पल शेड है वो भी इस वाटर लाइन पर बहुत खूबसूरत लग सकता है, वाइट शेड है, इसके अलावा टर्कोइज शेड्स हैं, वो सारे कलर जो हैं इस मेकअप में बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। लेकिन इसको मैंने काजल से इन्हेंस किया है क्योंकि मज़ीद मुझे इसमें शेड्स लगाने हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको मज़ीद अपने डिफरेंट जेल आईलाइनर्स के साथ दिखाऊँगा। Now for the under eye, I'm again using Oriental Pearl Shade और इसको काशीज के 20 ब्रश से मैं इसकी अगेन एप्लीकेशन कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस के काजल की वजह से ये शेड एक बहुत खूबसूरत एक लुक दे रहा है, क्योंकि आईलेट पर भी सेम यही शेड लगा हुआ है और आई के अंडर भी सेम मैंने यही शेड लगाया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ कि एक बहुत नेचुरल और एक बहुत सॉफ्ट लुक रहे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आईलेट पर ओरिएंटल पर्ल शेड नज़र आ रहा है, उसी तरह से इसका कंट्रास्ट, इसका कॉम्बिनेशन सेम अंडर आई पे भी हो। इनर कॉर्नर पर अगेन मैं काशीज वाटर कलर लगा रहा हूँ नंबर 5, ताकि काजल की एक ब्लैक खूबसूरत सी लाइन जो है वो इनर कॉर्नर से बहुत खूबसूरत सी एक डिफाइन हो। और आप देख सकते हैं इस लाइन को डिफाइन करने के बाद अगेन मैं नीचे ग्लोइंग शिमर लगा रहा हूँ ताकि एक हार्श और शार्प सी लाइन थी वो ब्लेंड हो सके। Now I'm using Kashi's Giant Brush Mascara again for the bottom lashes. एक से दो दफ़ा आप इसका कोट कर सकते हैं। Now as you can see the difference.
फाइनली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत ही एक सिंपल मेथड है कि तमाम लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत आसानी हो चुकी होगी कि इस तरह का एक अट्रैक्टिव मेकअप, जो मोस्टली सीजन में ये मेकअप ब्राइड्स के स्पेशली बहुत चलता है मॉडल मेकअप में, और ये रंग ये कितने ईजी तरीके से, कितने सिंपल तरीके से ये ब्लेंड हो जाते हैं। आई बॉल आप देख सकते हैं या आँखों का कलर उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत कॉम्बिनेशन जो है इन रंगों का, ओरिएंटल पर्ल का और मॉडल की अपनी आँखों का काफ़ी सिमिलर सा है, जिसकी वजह से मैंने इसमें काजल लगाया था कि ओबियसली एक बड़ा एक नेचुरल सा लुक है, जिन लोगों की ओबियसली ग्रीन आइज़ होती है उन पर मेकअप बहुत सूट करता है। अदरवाइज सेम इसी मेरे पैलेट में एक ब्लू शेड है, ओबियसली अगर कोई ब्लू या ग्रे लेंस लगाना चाहे तो सेम इसी मेथड को आप यूटिलाइज कर सकते हो ग्रीन की जगह पे। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस ग्रे कलर को यूज़ किया हुआ है तो उसमें ग्रीन या ब्लू शेड वो बहुत अच्छा लग सकता है। आईलेट पर अभी इस वक्त कोई शिमर नहीं लगा हुआ है, इसका जो भी आपको ग्लो नज़र आ रहा होगा, जो इतना खूबसूरत सा एक शेड आपको बहुत अपीलिंग लग रहा होगा, वो इस शेड का काशी सिल्क एंड सिल्क आई शेडो पैलेट का अपना कलर है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ शिमर नहीं चाहिए तो उनके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आई एम श्योर आप लोगों को इस मेकअप में काफ़ी गाइडलाइन मिल चुकी होगी। इसके अलावा भी मज़ीद अगर आपको इसको मज़ीद इन्हेंस करना है, इस मेकअप को, इस आई मेकअप को मज़ीद आपको अट्रैक्टिव बनाना है, इसके लिए आपके पास मज़ीद ऑप्शन ये है कि इसमें आप अभी मैं आपको इंस्टेंटली इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से इस खूबसूरत से मेकअप को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। जिन लोगों को शिमर बहुत पसंद होता है तो इसमें मज़ीद मैं ऐड करके अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ज़रा सा एक टेंच शिमर का मैं दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी शिमर नहीं लगा रहा हूँ मैं, और इसको काशी शिमर फिक्सर मैंने यूज़ किया है उसके साथ एप्लीकेशन कर रहा हूँ। नाउ सी द डिफरेंस, ये मज़ीद एक बहुत इंस्टेंटली बहुत खूबसूरत और एक ग्लैमरस मेकअप अब लग रहा है ये। ओबियसली जब शिमर लगता है आईलेट पर तो वो एक लाइट को बहुत अच्छा कैच करता है, तो जिन लोगों को मज़ीद ग्लैमरस शिमर आई मेकअप पसंद है अरबिक लेबनीज टच, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और आप लोग भी आई एम श्योर देखकर बहुत समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ज़रा सी टेक्निक से आप मज़ीद मेकअप को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, मोर एनहेंसिंग बना सकते हैं, मज़ीद इस मेकअप को ग्लैमरस बनाया जा सकता है। अभी मैंने इसमें ज्वेलरी ऐड की है, आप चाहें तो ओवरऑल ओबियसली एक गाइडलाइन के लिए कि एक मेकअप बेसिक मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया था उसको सॉफ्ट करते हुए, आपने देखा था कि स्टार्ट में मैंने लोअर लैशेस पे या अंडर लैशेस पे मैंने कोई काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक खूबसूरती थी मेकअप की, एक ब्यूटी थी। उसके बाद जो है काजल लगा के फिर ओरिएंटल पर्ल शेड लगा के उसका एक अलग लुक था, और उसके बाद दोबारा मैंने इसको चेंज किया है शिमर के साथ, और अगेन जो है मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरती के साथ ज़रा सी ज्वेलरी सेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक गाइडलाइन और टिप्स मिले। अगर आपको ओबियसली किसी भी अपने ओकेजन के लिहाज से मेकअप करना है तो आपके पास इन तमाम चीज़ों की वजह से एक गाइडलाइन होगी कि आपको कितना सॉफ्ट रखना है, कितना सटल रखना है मेकअप। आई एम श्योर कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल और गाइडलाइन इस ओवरऑल पूरे ट्यूटोरियल में आपको मिली होगी कि काशी सिल्क एंड सिल्क आई शेडो पैलेट से ओबियसली सारा क्रेडिट जो है मेरी प्रोडक्ट को जाता है। अगर कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है अगर काम करता है तो आई थिंक कि एक अच्छी प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक टूल्स अच्छे हों, ब्रशेज अच्छे हों, हमारे पास जो पैलेट है, जो भी कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन हो, उसके बाद एक रिज़ल्ट बहुत ईजी तरीके से, एक आसान तरीके से और मज़ीद एक कन्वीनियंट होके और आपको एक प्रॉपर एक रिज़ल्ट मिल रहा होता है। तो आई थिंक उन लोगों के लिए जो दूसरी किसी ऐसी प्रोडक्ट में जो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, ओबियसली एक प्रोसेस मेरा भी गुजरा है अपने काम के हवाले से कि जिस ज़माने में मैंने ओबियसली स्टार्ट किया था, हाथ में जब सही चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो जाती है। कोई भी आप मेकअप कर रहे होते तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, और वैसे ही अगर आपके हाथ में कोई अच्छी प्रोडक्ट होती है जिसका पिगमेंट बहुत अच्छा होता है, ओबियसली मेकअप खूबसूरत भी हो रहा होता है, आपका पिगमेंट जिस एरिया पे आपको लगाना होता है वहीं पर डिपॉजिट होता है कलर, तो ऑटोमेटिकली अगर बहुत फॉल आउट नहीं हो रहा होता है तो कलर
ऑब्वियसली खूबसूरत आ रहे होते हैं और आपको एक नीट एंड क्लीन लुक चाहिए होता है, जैसे कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में जो भी मेरे ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसमें मैं समझा रहा होता हूँ कि एक मेकअप में हमेशा एक नीट एंड क्लीन लुक होना चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने कोशिश की है कि बहुत एक साफ सुथरे तरीके से किस तरीके से खूबसूरत मेकअप हो सकता है और बहुत ईजी टेक्निक के साथ। तो जो बिगिनर्स हैं जो मेरे मेकअप सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आई होप कि इसमें बहुत गाइडलाइन होगी, और इसके साथ साथ मैं मज़ीद इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट कोई वीडियो करूँगा। आपको अपनी पसंद का कोई मेकअप सीखना है तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसके व्यूज़ रिव्यूज़ आप दे सकते हैं। काशीज़ की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये तो ऑब्वियसली अभी मैंने स्टार्ट करना शुरू की है अपनी यूट्यूब के लिए, अपने तमाम फैंस के लिए, कि किस तरीके से ऑब्वियसली गाइड कर सकूँ। मेरी कोशिश है ऑब्वियसली जो लोग अगर मास्टर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते तो वो मेरे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू उनको प्रोडक्ट की नॉलेज मिले, और प्रोडक्ट ऑब्वियसली अगर काशी सैलून में अगर आप नहीं आ सकते तो अब आप लोगों के लिए बहुत आसानी है कि आपको घर बैठे प्रोडक्ट मिल सकती है। आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेरे वीडियोस में और डिस्क्रिप्शन बार में आपको मिल जाएगी। ऑब्वियसली जब आपको प्रोडक्ट होगी और टेक्निक होगी तो आई एम श्योर कि जिसको ब्यूटिशियन, अपकमिंग ब्यूटिशियन बनना है, किसी को पर्सनल ग्रूमिंग करनी है, अपने लिए सीखना है, तो मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और फ्रेटफुल हों। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आप लोगों से अगेन मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।